बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साह जी, आप सभी सुंदर साह जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन, पिया जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साहब जी, आज बढ़ते हैं मूल मिलावा की ओर, मूल मिलावा की अलौकिक शोभा में। सूरत एके राखी मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भौं बैठे हैं जी। पल पल श्री राज जी का क्या आह्वान है कि सूरत एके राखी मूल मिलावे माहे, कि हमें अपनी आत्मिक नजर को, अपनी सुरता को श्री रंग महल की पांची गोल हवेली, 28 स्तंभ का चौक पार करें, 4 चौरस हवेलियां पार करें, पांची गोल हवेली मूल मिलावे में रखनी है धनी चरणों में, जहाँ जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी और हम सब सखियां विराजमान। सुंदर साह जी, हमने कल मार्ग देखा था कि हम चांदनी चौक से मूल मिलावा कैसे पहुंचे, तो इन प्रदर्शन से भी देखते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल एरो मार्क कर रखा है कि किस तरह से अपने को सीधा चलते जाना है। कमर पर ऊंचा चबूतरा है तो पार होता जाएगा, एक रास्ता तो ये हो गया सीधा इस तरह से मध्य में से, और एक हम चाहे तो 28 स्तंभ के चौक से कुछ दक्षिण या उत्तर होकर, दाएं हाथ को होकर या बाएं हाथ को होकर, इस मध्य गली से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। मध्य गली में जहाँ 4 हवेली के कोने मिलते हैं, वहां चबूतरा मिल रहा है, तो इस तरह से सुंदर शोभा, तो इस तरह से भी हम मूल मिलावे में पहुंच सकते हैं। अब कल वर्णन में आया था कि जब हमने चौथी हवेली से बाहर निकले तो थंबों की एक हार सीधी, ये देखो थंबों की एक हार सीधी दूसरी गुलाई में, तो उसका खड़ा दृश्य भी देखते हैं। थंबों की एक हार सीधी दूसरी गुलाई में, और अब बढ़ते हैं अपने मूल मिलावा की ओर, जहाँ श्री राज श्यामा जी के चरणों तले हम सब विराजे हमारे मूल तले। अब मूल मिलावे की जो सुंदर शोभा है, जैसे अभी हमने हवेलियों की शोभा देखी, ठीक वैसे ही घेर कर मंदिरों की हार, ये देखिए बाहरी मंदिरों की हार, थंबों की एक हार बाहर है एक भीतर है, ठीक मध्य कमरवार ऊंचा चबूतरा गोलाई में, चबूतरे की किनार पर भी थंब। इनको और प्रदर्शन से भी देखते हैं। घेर कर आई मंदिरों की हार, थंबों की हार एक बाहर है एक भीतर है, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा। तो सबसे पहले हम जहां बैठे हैं 64 थंब चबूतरा, इस मध्य चबूतरे को 64 थंब चबूतरा भी कहते हैं, तो जहां हम श्री राज श्यामा जी के चरणों तले बैठे हैं, वहां अपनी नजर लेके चलते हैं। मूल मिलावे की सुंदर शोभा में सबसे पहले 64 थंब चबूतरा की शोभा देखते हैं, कमर भर ऊंचा ये चबूतरा, और इन चबूतरे पर सिंधिया रंग की अति सुंदर पश्चिमी किला, हाथ भर की गहराई कही जाती है, बैठिए तो बैठ जाए, उठिए तो उठ जाए, अति कोमल किला, उस पर सुंदर चित्रामन, धाम का नूरी चित्रामन, उस चित्रामन में आए फूल भी आपको देख के मुस्कुराते हैं, उन फूलों की एक एक कली का वो खिलना, उन सूखती सुगंधी, क्योंकि हर शय आत्म स्वरूप। अब इन गिलम की किनार पर हम देखेंगे श्याम यानी काला रंग, श्वेत सफेद, हरित हरा, जरद पीला, श्याम श्वेत हरित जरद,
ये चार रंग की डोरी, एक सुंदर बॉर्डर और एक एक डोरी में अद्भुत चित्रामर। ये देखिए, इससे भी देखिए हम शोभा, एक सुंदर मॉडल राजगढ़ सुंदर साथ का। अब यहाँ पर चारों दिशाओं में परमहंसों ने रास्ते का वर्णन भी किया है। मूल मिलावा की हवेली में ना भी लेवे रास्ते, लेकिन और जो हवेली आएंगी गोल हवेली, उनमें इन रास्तों की शोभा होगी। आने जाने का एक सुंदर रास्ता। मूल मिलावे की बैठक तो एक सुंदर नूरी बैठक है, वहां पर नहीं कि वहां तो हम आपस में सट कर बैठी हैं। ये देखिए गिलम की शोभा, किनार पर आई डोरी की सुंदर शोभा। अब कुछ चपाइयों के माध्यम से भी शोभा दिल में लेते हैं। चौसठम चबूतरे पर जो गिलम आई है, सिर्फ उसकी शोभा। मध्य भर चबूतरे दुलीचा पश्चिमी नोर, अति नरम पश्चम सुपकारी शीतल चहु। हमारी जो मूल मिलावा है, मंदिरों की हार पार करी, एक थम की हार दो गली, ठीक मध्य तीन सीढ़ी ऊंचा कमर भर चबूतरा। गोलाई में पहलदार चौसठ पहल में घेर कर ये चबूतरा आया। उन चबूतरे पर गिला, चौसठ थंबों के बीच में पश्चिमी नूरमयी किलम, और ये किलम अति नरम पश्चम की है। अति नरम पश्चम सुखकारी है, शीतल है, प्रकाशित है पिया के जहूर से, उनके लाड़सी प्यार से, आत्म स्वरूप। दुलीचे के गिर दोरी बनी हरी पीली शेत श्याम, कई नकस कटार चित्रावन शोभित बिछोना स्थान। इन एक सेकेंड, ये जो अपनी किलम आई है, किलम की किनार पे हमने देखा श्याम श्वेत हरित जर्द दोरी। दोरी कैसे, और एक सुंदर गिलम है, गिलम को घेर की एक सुंदर बॉर्डर की, एक सुंदर किनार की शोभा। उस किनार में चार रंग की सुंदर डोरी, एक सुंदर जैसे पट्टियां चल रही हैं, इस देखिए इसमें देखिए है ना, इस तरह से चार घेर कर डोरी, और फिर एक ही डोरी में सुंदर चित्रावन, अति सुंदर चित्रावन। कई नकश हैं, कई कटाव हैं, कई नकश कटाव चित्रावन शोभित बिछोना स्थान। अब इन गिलम से, इन गिलम की सुंदरता से, वो लालिमा से, उसमें आए चित्रावन से, कितनी नूर की तरंगे उठ रही है। कई नूर तरंगे उठत लड़त नूर सामने नूर, किरना झलकत नूर जो सो क्यों कर कहूं जाऊं। गिलम से कई रंगों की नूरी किरणें उठ रही हैं, चारों तरफ नूर भरी रंग बिरंगी किरणें आपस में टकरा रही हैं। गिलम से उठता नूर, अभी जैसे से आगे वर्णन करेंगे, हर शोभा से उठता नूर, वो नूर की लश्कारे, और वो जो ज्योति उठ रही है वो भी कितनी प्यारी मीठी ज्योति, उन ज्योति का एहसास भी आपको मिठास से भरता हुआ। अब गिलम में चित्रामन कैसा है, कई बिरख बेली कटा नकश पुतली चित्रामन, जोत करे अति झलकार ए देखत दिन मोले। हमारे उन गोल चबूतरे पर, चौसठ थम में पहलदार उन चबूतरे पर नूरी पश्चिमी गिलम, और उन गिलम में चित्रामन बताते हुए, उनमें कई प्रकार के वृक्ष हैं, वृक्ष हैं तो उनमें फूल भी हैं, फल भी हैं, बेली कई प्रकार के कटाव पुतलियों के चित्रामन, और ये सभी चित्रामन चेतनता का एहसास दिलाते हैं। और वो पुतली भी आपको देख के मुस्काती हुई, आपको देख के प्रसन्न होती हुई, तो उन भाव से हमने किलम की शोभा को,
अब गिलम की शोभा देख के अब बढ़ते हैं इन चबूतरे के किनार पर जो थंब आए हैं। अभी हमने शोभा देखी, खड़े दृश्य से दिखाती हूँ। ठीक मध्य इन कमर पर ऊंचे चबूतरे पर आई पश्चिमी गिलम की। ये देखिए सुंदर साजी, कमर पर ऊंचा चबूतरा ठीक मध्य, इस पर आई सुंदर पश्चिमी गिलम की हमने शोभा देखी। अब ये जो किनार पर थंब आए हैं, ये थंब किस प्रकार से आए हैं उनकी शोभा देखते हैं। किनार पर थंब, वो कितने सुंदर रंगों नगों से झिलमिलाते थंब। जैसे हमने अभी चोरस हवेली में भी किया पिछले कुछ दिनों में, कि ठीक मध्य जो चबूतरा है उसके चारों दिशाओं में मेरा भी द्वार है, और उससे तीन तीन सीढ़ियां उतर रही हैं और घेर कर थंबों के बीच में कठेड़ा आया है। तो चारों दिशाओं के मेहराबी द्वारों के दर्शन पूर्व दिशा में पांच के दो थंबों के मध्य सुंदर हरित आभा से झिलमिलाता दरवाजा, पश्चिम में पीलवे के थंबों के मध्य सुंदर द्वार, पूर्व में पांच के थंबों के दोनों ओर नीलवी के थंब, पश्चिम दिशा में नीलवी के थंबों के दोनों ओर पांच के थंब, उत्तर दिशा में पुखराज के दो थंब उनके मध्य सुंदर पुखराजी आभा पीली आभा से महकता द्वार, और दाएं बाएं माणिक के थंब, दक्षिण दिशा में माणिक का सुंदर मेहराबी द्वार माणिक के दो थंबों के बीच में, और दाएं बाएं पुखराज के थंब। तो आमने सामने इन दरवाजों का नूर महसूस करें। पांच के सामने नीलवी, माणिक के सामने पुखराज, तो आपस में इनकी भी तरंगे टकराती हुई। अब इन चार द्वारों के मध्य जो खांचे रह गए, जो थंब और रह गए, उन थंबों का भी सुंदर वर्णन हमारी वाणी में आया है। अब जैसे पूर्व दिशा में हमने देखा पांच के दो थंब और दाएं बाएं नीलवी, तो हमको पूर्व से दक्षिण थंबों का क्रम देखना है या पूर्व से उत्तर थंबों का क्रम देखना है, तो उसकी विधि बताते हैं ज्वारदस्वरा जी भी, और वाणी में हमारे पास इसके लिए प्रमाण रूप में एक चपाई भी है, तो वो चपाई कल सुंदरसा जी दिखाती हूँ। तो जैसे हम पूर्व दिशा में यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ पर हरिताभा फैलाता सुंदर मेहराबी द्वार है, उन थंबों की शोभा देखे, उन मेहराब की शोभा देखे, उनकी विशालता, उन मेहराब में सुंदर लटकती मोतियों की चवेरों की झालर, अति सुंदर चित्रामन। अब इस द्वार को देख के हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, तो पहला थंब नीलवी का है। अब इन दोनों थंबों को छोड़ देवे और यहाँ से गिनना शुरू करें, तो हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा और कपूरिया, इस तरह से क्रम गिनेंगे। अब यहाँ से हमें उत्तर दिशा का देखना है, तो पांच के इन थंब को छोड़ दो, नीलवी के थंब को छोड़ दो, तो इन दो थंबों को छोड़ के फिर इसी क्रम से हमें देखना है हीरा, लसनिया, गोमादिक। इसी तरह से आज पश्चिम तरफ आ जाओ, नीलवी और इस पांच को गिनो छोड़ दो, और इधर से अपने को इस दरवाजे तक इसी क्रम से हीरा, लसनिया, गोमादिक। पश्चिम द्वार खड़े हैं, मुख अपना इधर की तरफ है, तो अपने दाएं हाथ की तरफ गिनना है, तो इसी तरह से क्रम चलेगा, बस दो थंब छोड़ दो। दो थंब कौन से छोड़ने हैं एक बार वापिस बताती हूँ। जैसे अपने को यहाँ दक्षिण तरफ जाना है, तो पांच का थंब छोड़ देवे, नीलवी का थंब छोड़ देवे, उसके बाद थंबों का यही क्रम रहेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से झुकती है कि हीरा की बात कर रहे हैं हम, तो हीरा के सामने हीरा ही आएगा, लसनिया के सामने लसनिया ही, एक सुंदर झुकती है। और जुगलदास महाराज जी भी और वाणी में भी वर्णन बड़ा प्यारा इसका आता है कि आमने सामने इनका नूर छिल मिलाता हुआ, द्वारों से द्वारों का नूर टकरा रहा है, थंबों का आपस में नूर मिल रहा है,
तो छत की तरफ जब देखेंगे तो चंद्रमा भी उन नूरी ज्योति से झिलमिलाता हुआ, हीरा से हीरा का नूर टकराता हुआ, लहसनिया से लहसनिया का आपस में इतनी सुंदर शोभा बनेगी, कई प्रकार की चोक बनेगी, कोई चौरस कोई गोल। मैं थोड़ा सा वो बना के दिखाती हूँ। इन द्वार से 5 की शोभा चली नीलवी की ओर। और नीलवी के थंबों से तरंगे चलेंगी 5 की ओर। दक्षिण से उत्तर की ओर और उत्तर के पुखराजी द्वार से माणिक्य द्वार की ओर। तो ठीक मध्य जो चौरस चौक बनता है, तो यहाँ पर जुगलदास महाजी कह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ पर शिवराज जी का सिंहासन। अब यहाँ पे ये देखो तिकोने चौक बनते हुए, कोई आयताकार बन रहे हैं, कोई बिल्कुल सम चौरस बन रहे हैं। अब ये तो अपन ने सिर्फ चारों द्वारों का किया, अब इन द्वारों से भी तो नूर उठेगा, इन मेराबी थंबों से भी तो नूर उठेगा। तो उस नूर को महसूस करे कि कैसे नूर की झिलमिलाट है, नूर ही नूर, पिया का इश्क ही इश्क, और इस नूर में भी मिठास है। अब ये नूर गिलम से भी उठ रहा है, थंबों को भराई चंद्रमा से भी उठ रहा है, एक एक थंब से उठ रहा है, एक एक मेहराब से, कठेड़े से, और शिवराज श्यामा जी नूरमयी कंचना के सिंहासन पर विराजे हैं, उनका वो अपना नूरी नूर। और इधर से हम सब सखियां, हमारी मूल तन, हमारी पर आता, तो सब नूर कैसे झिन मिलाता हुआ, मूल मिलावे की उन सुंदर शोभा को दिल में लेवे कि कैसे नूर ही नूर। अब इस नूर में प्रकाश भी है, उज्जवलता भी है, पिया का लाड भी है, प्रेम प्रीत स्नेह की तरंगे भी उन सब शोभा को अपने अंदर उस रोशनी को महसूस करे। तो इस तरह से घेर कर थंबों का क्रम, इसकी एक पिक्चर ये भी देखे हम, जैसे अभी बात हो रही थी कि पूर्व दिशा में 5 का द्वार, अब हमने पूर्व से दक्षिण गिनना है, तो इन दो थंबों को छोड़ दे, यहाँ से शुरू होगा हीरा लहसनिया कौमादी, यहाँ से हमने उत्तर को गिनना है तो इन दो को छोड़ दे, ऐसे ही पश्चिम तरफ से अपने को गिनना है। अब इन चबूतरे पर हमने शोभा देखी, चबूतरे पर गिलम की, किनार पर थंबों की, अब शोभा देखते हैं इन चबूतरे पर पिया के सिंहासन की शोभा, हमारे शिवराज श्यामा जी के नूरी सिंहासन की शोभा। 1000 पाखड़ी के कमल के फूल पर 6 पाए, नूरी कंचन रंग के पाए। चेतनता भी बताई कि हर शय चेतन है, वाणी से भी हमने देखा, तो उन कमल के चेतन से दिखते फूल पर बिल्कुल चेतनता का एहसास, उन फूल की पंखड़ियां और उनके ऊपर पिया जी का सिंहासन, कंचन रंग के पाए पाए और उन पंखड़ियों का तेज आपस में कैसे मिलता हुआ, 6 पायों पर 6 डांडे, एक एक डांडे में 10-10 रंग बताए हैं, 10 पहल बताए हैं, रंगमैल हमने किया 201 पहलों में, यहाँ पर घेर कर 10 पहल बताए हैं, 10 दिशा से नहीं, 10 पहल, और हर पहल का अपना रंग है। अब हम डांडे की शोभा को नजदीक से महसूस करें, इस शोभा को दिल में बनाए कि जैसे ये देखिए, एक पहल अपना लाली माली है, पूरा माणिक से माणिक नगों से झिलमिलाता हुआ, कभी लाल गुलाब की पंखड़ियों से सजा हुआ, ये पैर हीरा का पूरा नूरी हीरा से सजता हुआ, यह सफेद फूल की सुंदर शोभा, सफेद जवेर की कुछ, ये देखिए फिरोजी रंग में सुंदर शोभा, ये हरे रंग का पहल, ये पीला, तो ऐसे एक एक पहल की सुंदर शोभा, जुदी जुदी जिनस, जुदी जुदी जुगती,
जिनस यानी शोभा जुगती प्रकार से। चौपैया आती है वाणी में, जुड़ जुड़ी जिनस जुड़ी जुड़ी जुगती। तो 10 पहल अलग अलग जुगती से अलग अलग प्रकार से सजते हुए। तो एक डांडे को भी हम देखने लग जाएं, दिन भर हम डांडे की चितवन को ही दिल में लेवे कि मेरे पिया के सिंहासन का वो जो डांडा है, एक डांडा भी 10 रंग में झिलमिला रहा है। उनकी एक एक पहल की शोभा, माणिक की उन पहल की शोभा को सबसे पहले दिल में लेवे। माणिक नक्शे सस्ता देखते हैं तो भी सुंदर लग रहा है, फिर आपके दिल की चाहना अनुसार एक एक नग फूल रूप में परिवर्तित होता हुआ। उन फूल की पंखड़ियां कभी खुल रही है, कभी बंद हो रही है, आपको देख के मुस्कुरा रही है। तो एक एक पहल की शोभा को ऐसे दिल में लेवे। अब अपने जितने भी परमहंस महाराज हुए हैं वो मध्य में बैठक बता रहे हैं कि ठीक मध्य कमल के फूल के ऊपर पिया जी का सिंहासन और घेर के हम सब सखियां। तो एक विचारधारा ये भी चलती है और ये इसका प्रमाण अपने को महामती जी की बड़ी वृत्ति में मिलता है। इनके हिसाब से सुंदर सा जी जो अच्छा लगे वो लेना, इसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन दोनों पक्ष रख रही हूँ। जो अपना पश्चिम दिशा में देखा था नीलवी का द्वार है, उन नीलवी के द्वार के दाएं बाएं 5 के थंब थे। तो इन वृत्ति के हिसाब से जो नीलवी और 5 के थंब है, इसको यहां से देखते हैं, ये पश्चिम दिशा में ये नीलवी के थंब और इसके दाएं बाएं 5 के थंब। तो इस स्थान पर शिवराज जी के सिंहासन की शोभा आई है। ये देखिए, इन दुलीचे पर शोभित कंचन रंग सिंहासन 5 नीलवी के लगते झलकत नूर रोशन। 64 थंब चबूतरे पर सुंदर पश्चिमी किलम, अति सोनी पश्चिमी किलम के अभी दीदार किए ना, उस पर कंचन रंग का सिंहासन जो चबूतरे के पश्चिम तरफ दाहिनी तरफ 5 नीलवी के थंबों से लगता हुआ है, जिसकी नूर में शोभा। द्वार बैठते सामने शोभित दाहिने हाथ, हाँ खादी बैठे तखत लग 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 अंग अंग के साथ। हाँ खादी बैठे तखत लग अंग अंग के साथ। मूल मिलावे में पूर्व दिशा से जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो ठीक सामने दाहिनी ओर चबूतरे की पश्चिम दिशा में सीढ़ियों के उत्तर तरफ सिंहासन पर श्रीराज श्यामा जी विराजे हैं और हम सब सखियां भी चबूतरे पर एक दूसरे से अंग लगाकर विराजी हैं। तो सुंदर सा जी, अगर दिल में ये शोभा आती है तो ये और मध्य में सिंहासन लेना चाहते हैं, कोई गलत नहीं है, जैसी चितवन चले। और ये नक्शा सरकार श्री जी ने बनवाया था, वो नक्शा है भी सी मेरे यहाँ लग भी रहा है। उस वक्त उन नक्शे के नीचे सरकार श्री ने वो चौपाइयां भी छपाई थी। ये देखिए, तो शिवराज जी का सिंहासन जैसे भी दिल में चितवन चलती है अपनी, हम दरवाजे के सामने रख के और बिल्कुल अंग से अंग लगा के या मध्य बैठ के गोलाई में घेर कर जैसे भी दिल में चितवन चलती है। अब थंबों को भराए के सुंदर नूरी चंद्रमा, थंबों को भराए के हरित रंग का चंद्रमा, उन चंद्रमा में मोतियों की झालर। ये देखिए सुंदर सा जी, ये सिरसावा से अपना छपा है नक्शा। ये देखिए कितनी प्यारी मोतियों की झालर, हरे रंग का चंद्रमा भी दिखाया है। उस चंद्रमा में भी देखो नूर की झलकार, उसे भी बात कर रहे थे ना, थंबों से उठती नूर की झलकार, पश्चिमी गिलम से उठती नूर की झलकार, कठेड़ों से लगकर तकिए घेर कर जो थंब आए हैं उनके मध्य कठेड़ा है, उन कठेड़ों से लग के तकियों की भी सुंदर शोभा है, सुंदर तकिए। तो इन सब का उत्नोर चंद्रमा पे जाके जब प्रकाशित होता है तो वो सुंदर शोभा। भर चबूतरे चंद्रमा गिर्द फिरती छलकार। सुंदर सा जी, ये सब चौपाइया श्री परम धाम की जो बड़ी वृत्ति है लालदास महाराज जी की, तो वहां से ली है। भर चबूतरे चंद्रमा गिर्द फिरती छलकार, झालर मोती लरे लटकर भर चबूतरे पर,
पर झालर मोती लड़े लटक रही हैं। अभी तो हमने किनार पर मोतियों की झालर देखी, वो परम धाम के मोती, आत्म स्वरूप पिया के, एक एक मोती में पिया का नूरी स्वरूप समाया हुआ। तो उन मोतियों की उज्जवलता, उनका प्रकाश, और जब वो घेर कर लटक रहा है उन चंद्रमा में, जगह जगह उन मोतियों की झालर है, तो क्या नूरी शोभा होगी। कई ब्रिक चित्रामन पुतली नकश कटा, लड़त किरण किरणा सो, क्यों कर कहूँ ये भाव। कई प्रकार के नूरी वृक्ष चित्रामन पुतलियां नकशकारी कटा, कई प्रकार के वृक्षों की चित्रकारी, कई पुतलियों के कटाव, तो सुंदर शोभा। मध्य फूल जवेरन के गिर्द फिरदी शोभाए, साम सामी किरणा लड़े इस शोभा कहीं न जाए। चंद्रमा की वो सुंदर शोभा, उनमें नूरी चित्रामन, जवारातों के फूल, सुंदर शोभा। तो अभी तक हमने शोभा देख ली सुंदर साची, 64 थम चबूतरे पर है गिलम की शोभा, गिलम की किनार पर श्याम सेठ हरिचर दोरी की शोभा, और इसको यहां से देखते हैं, थंबों के बीच में कठेड़ा, कठेड़े के साथ लगते सुंदर तकिए, ये दोरी का देखो कितना खुला दर्शन यहाँ पर, सुंदर मेहराबे दो दो रंग की, दो दो रंग की सुंदर मेहराबे, सिंहासन के दर्शन किए, ऊपर चंद्रमा के भी दर्शन किए। अब बढ़ते हैं आगे, ये देखिए ऊपर चंद्रमा के भी हमने दर्शन कर लिए। तो हमने 64 थम चबूतरे के घेर कराई 64 पहल, 64 पहलों में 64 थम, चारों दिशाओं के द्वार, एक एक थम का रंग, सिंदूर रंग की केलम, हरित रंग की चंद्रमा और कंचन रंग के नूरी सिंहासन को देखा। अब चबूतरे को घेर कर एक थम की हार दो गली। ये देखिए ये चबूतरा, चबूतरे को घेर कर ये सुंदर गली, थम की हार, दूसरी गली, और ये देखो बाहर की तरफ मंदिर झिलमिलाते हुए, ये देखिए इसमें ये शोभा अच्छे से क्लियर है। एक थम की हार दो गली, और उसके बाद घेर कर बाहरी हार मंदिर, हवेली को घेर के मंदिरों की हार आती है, वैसे ही घेर के मंदिरों की हार। अब इनमें चारों दिशाओं में मुख्य दरवाजे हैं, धाम दरवाजे की तरह ही लंबाई चौड़ाई दी। ये देखिए चौरस हवेली में भी हमने दर्शन किए थे, इसी प्रकार से दरवाजे के मंदिर है, हवेली के भीतर और बाहर की तरफ बड़े दरवाजे और दाएं बाएं पाके की तरफ छोटे दरवाजे। और जब हम हवेली में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए हम मूल मिलावे की हवेली में प्रवेश कर रहे हैं, चौथी हवेली से पांचवी गोल हवेली में, तो सबसे पहले हम इस चौक में आएंगे। चौक के ठीक सामने द्वार है, एक सीढ़ी ऊंची चौखट, अगर इस मंदिर में जाना है तो एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंग के आएंगे। दाएं बाएं हम देख रहे हैं 3 सीढ़ी ऊंची चबूतरों की शोभा है, उतरती सीढ़ियां हैं, यहाँ मंदिर में उतरती सीढ़ियां हैं और बाकी जगह कठेरा। तो चारों दिशाओं में जो द्वार आए हैं मूल मिलावे की हवेली में, उसमें इसी प्रकार से द्वार आए हैं। ये देखिए कि पहले मैंने बड़ा नक्शा दिखा दिया था, अब ये देखो घेर कर जो मंदिरों की हार आई है उसी में ये मुख्य द्वार का मंदिर है ना। तो एक थम की हार दो गली और घेर कर मंदिरों की हार, जिसमें चारों दिशाओं में मुख्य द्वार है। अब एक सुंदर शोभा यहाँ चलती है, हमने यहाँ देखा 5 का द्वार, ठीक यही थम्बों का, अक्षी थम्बों का क्रम यहाँ बाहर तक चलेगा। ये देखिए चबूतरे पर 5 के 2 थम हरित आभा फैलाता द्वार, ये थम की हार में भी 5 के 2 थम सुंदर मेहराबी द्वार, ये जो दरवाजा आया है दरवाजे का मंदिर, इसमें ये जो अक्षी थम आएंगे, ये अक्षी थम भी उन्हीं रंगों में, और बाहर घेर कर जो थम आएंगे वो भी हरित आभा लिए। तो महसूस कीजिए कि आप मूल मिलावा में प्रवेश कर रहे हैं, इन चौक में आए, एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंग के धाम दरवाजे के मंदिर में आए, मंदिर पार किया, फिर एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंग के इन दरवाजे को भी पार किया, भीतर आए,
एक थम की हार दो गली पार करी, मध्य चबूतरे से तीन सीढ़ी चढ़ी, तो ये पूरी शोभा हरित आभा में झिलमिलाती हुई, पूरी शोभा पूरा प्रवेश द्वार एक हरित आभा में झिलमिलाता हुआ। तो जो थंबों का क्रम आया, कहने का भाव क्या है, जो थंबों का क्रम आया है चबूतरे के ऊपर, वही क्रम चलेगा इन दोनों हारों में और मंदिरों में भी। तो उससे क्या होगा, मंदिर दो दो रंग में झिलमिलाते हुए, ये देखिए मंदिर भी थंब भी दो दो रंगों की मेहराबे। जैसे द्वार के पास वाला मंदिर लेवे पांचों नीलवी आभा में, तो वो हरी और नीली आभा इन दोनों रंगों की आभा में झिलमिला रहा होगा। ये देखिए ये जो मंदिर है, ये वाला मंदिर पांच और नीलवी में, ये नीलवी और लसनिया दो दो रंगों से सजे मंदिर, और चारों दिशाओं के द्वार है वो एक एक रंग में, पूर्व में पांच, पश्चिम में नीलवी, उत्तर में पुखराज और दक्षिण में माणिक। तो चारों दिशाओं में घेर कर जो 64 मंदिर आए हैं उनमें चार दरवाजे हो गए और घेर कर 60 मंदिर आए हैं। एक एक मंदिर की सुंदर शोभा है, 100 हाथ का लंबा चौड़ा, चारों दिशाओं में बड़ी विशाल मेहराबी द्वार, मेहराब बड़ी विशाल मेहराब, उन मेहराब तले तीन मेहराबी ठीक मध्य दरवाजा, अंदर सिंहासन कुर्सियां सभी चौपाई अपने को मिलेगी। ये देखिए सिंहासन कुर्सियां अलमारी चौकियां सभी कुछ अपने को एक मंदिर के अंदर मिलेगा। हाँ जयश्री बहन, एक सीढ़ी ऊंची चौखट की बात हुई है, जब हम मूल मिलावा में जब प्रवेश करते हैं, जब समान लेवल में शोभा आती है, जैसे हमने गुर्जियों में भी देखा था, जब समान लेवल में, जैसे अपन ने धाम दरवाजे में प्रवेश किया था दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक में, जब मंदिर में प्रवेश किया था तो एक सीढ़ी ऊंची चौखट उनकी थी ना। अब यहाँ पर हम एक मंदिर के लंबे चौड़े चौक में है, यहाँ पर एक मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, दाएं बाएं एक एक मंदिर के चबूतरे, और ठीक सामने कोई भी हवेली ले, ये मूल मिलावा की हवेली है, बाकी हवेलियों में भी ऐसा चलेगा, तो सामने मुख्य दरवाजे का मंदिर है। अब अपने को ये मुख्य दरवाजा बड़ा दरवाजा पार करना है, तो ये दरवाजा खुलेगा, तो जब हम इस मंदिर में जाएंगे तो एक सीढ़ी ऊंची चौखट को लगेंगे, फिर हमने मंदिर पार किया पूरा 100 हाथ पार किए, फिर भीतरी दीवार में दरवाजा खुलेगा, तो दरवाजा जब पार करेंगे तो चौखट उलंग के करेंगे, तो एक सीढ़ी का वो वर्णन किया था। तो घेर कर आए मंदिर, उनमें चारों दिशाओं में द्वार देख ली, बाकी सब मंदिर दो दो रंगों में झिलमिलाते हैं, एक एक मंदिर की सुंदर शोभा, और एक प्यारी शोभा का वर्णन वाणी में आता है इन मंदिरों में, और ऐसे हम बाकी हवेलियों में भी ले सकते हैं, लेकिन मूल मिलावे की अपनी ये एक अति प्यारी शोभा है ना, क्योंकि हमारी बैठक है यहाँ पर, तो यहाँ की एक एक शोभा का वर्णन विस्तार से हुआ है, कि जैसे अभी हमने देखा कि मंदिर है उनमें बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब में तीन मेहराबे, अब इन मेहराबों में एक सुंदर लाल माणिक की डोरी भी चलती है। ये देखिए वाणी में चपैया भी आती है, अपना सागर ग्रंथ में जो खिलवत का मूल मिलावे का प्रकरण है उसमें। अब ये देखो मंदिर मंदिर की हद अलग, जैसे ये मंदिर हुआ ये मंदिर हुआ, मैं एक बार ड्रॉ भी करती हूँ। अपना एक मंदिर ये हुआ, एक मंदिर ये हुआ, घेर के अपने 60 मंदिर आए ना, तो मंदिर मंदिर की हद अलग। अब यहाँ से हाँस के कोने से डोरी उतरेगी, एक सुंदर लाल माने की कांगरी, एक सुंदर डोरी, सुंदर डिजाइन कहें डोरी, डोरी डोरी अभी देखा था ना, जैसे गिलम में डोरी, उसमें कई प्रकार की चित्रामन, कई प्रकार की नक्काशी, तो यहाँ से ये डोरी उतरी, उस डोरी के दोनों ओर यहाँ पर हम मान के चले हरे रंग में सुंदर कांगरी चल रही है। अब ये डोरी तले आके 33 हाथ, क्योंकि ये 100 हाथ की दूरी है, 33वें दरवाजा, 33 33वें चित्रामन, अब ये 33 हाथ ऐसे चलेगी दरवाजे तक, फिर दरवाजे के साथ साथ जो अपना द्वार आया है, यहाँ पे चौरस द्वार दे रखा है, तो चौरस अपनी शोभा थोड़ी सुंदर मेहराबी बनती है, तो मेहराबी इस तरह से ये डोरी उतरेगी इन द्वार के साथ साथ जाके। इसको दूसरे रंग से दिखाती हूँ, हरे रंग से दिखाती हूँ, हरे रंग से नहीं,
सफेद रंग से दिखा रही हूँ सुंदर सा जी, ये डोरी इस तरह से यहाँ उतरेगी, फिर यहाँ से यूं चलेगी, फिर ये दूसरे मंदिर के साथ साथ ऊपर जाके फिर उतरेगी। तो इस तरह से मंदिरों को घेर कर सुंदर डोरी की शोभा आई है। मतलब कहने का भाव क्या है, इस शोभा को अपन कैसे दिल में लेवे कि जो मंदिर है, इन मंदिर की किनार, ये तली की शोभा, ये जो अपना द्वार आया है, सुंदर जड़ित है डोरी से, एक सुंदर डिजाइन है उसके ऊपर, सुंदर कांगरी है, उनमें फूल पत्तियां बेशुमार नक्काशी होगी, तो वो सुंदरता को महसूस करे। इस तरह से दो डोरी और कांगरी की शोभा चलती है। मंदिर मंदिर की हद लग चौपाइयां निकालना सुंदर साची, आज मैं भूल गई, तो कल अपन इस चौपाइयों का कल कर लेंगे। अब हमने मूल मिलावा की इस सुंदर हवेली के पूरे दर्शन किए, मध्य चबूतरे के, एक थंब की हार, दो गलियां, घेर कर आई मंदिर, चबूतरे पर गिलम, ऊपर चंद्रमा, सिंहासन प्यारा सा। अब हम बैठे हैं शिरा जी के सन्मुख, उनके चरणों तले, है ना, हम सब बैठे हैं ना पिया जी के चरणों तले, दाढ़ी की कलियों की तरह जोड़कर। तो उसका वर्णन भी, थोड़ा सा वर्णन दर्शन हम पढ़ते हैं इन बड़ी वृत्ति से। सब सखियां अंग से अंग लगाकर बैठी हैं, और उनकी जुदी जुदी रंगों साड़ियां, जुदी जुदी भूखन छलकार, किरणा लड़े नूर नूर कई, हक आदि रूहे करे बिहार। हम सब ब्रह्म प्रियाओं की जुदी जुदी रंगों की साड़ियां, आभूषणों की जुदी छलकार, उनसे उठती किरणें और पिया संग विहार करना। कोई साड़ी रंग कंचन, कोई साड़ी कंचन रंग, कोई रंग दर्पण, कोई भीगे जांबू रंग, कपूरिए दाड़मी रंग रोशन। रंग भी देखो कितने प्यारे बताए हैं, कंचन रंग का यानी वो सफेद रंग जैसे कंचन सी झिलमिलाती साड़ी, कोई रंग दर्पण, दर्पण जांबू रंग की, दाड़मी रंग की, दाड़मी यानी वो दाड़म होता है ना अनार, तो लाली वाली ये साड़ी, दीवे काजलिए कपूरिए, कोई गेहूं जा सुरंग, कोई श्याम सीत गुलालिए, कोई नूर लहरा उठे तरंग। किसी ब्रह्म प्रिया की साड़ी दीपक की ज्योति के रंग की, तो किसी की काजल के रंग की, कोई कपूरिया, कोई गेहुआ, कोई श्याम सीत गुलाबी। और एक-एक रंग से भी कई रंग उठते हुए, लाल रंग की बात कर रहे हैं तो लाल रंग में भी कई शेड, नीली है तो नीली भी कई प्रकार के नीले रंग, चनूटिए चोली केसरी को जांबू रंग करे छलका, यूं कई जुदे जुदे रंगों शोभी शोभा हा खादी देखन हार। अब श्यामा जी की सखियों की, सॉरी सुंदर सा जी, सखियों की कंचुकी की बात, चोली की बात, कोई चनोटिया रंग की, कोई केसरिया, कोई जांबू रंग, जुदे जुदे रंगों में आभूषण, और इस प्रकार के वस्त्राभूषणों की जुदी जुदी शोभा को राज श्यामा जी भी प्रेम पूर्वक निहारते हैं। यूं कई जुदे जुदे रंगों शोभा हा खादी देखन हार। आपको श्री राज श्यामा जी भी निहारते हैं सुंदर साहब जी। भर चबूतरे बैठिया कई कंठ हार भूखन, जुदे जुदे छल जुदे भर चबूतरे बैठिया कई कंठ हार भूखन, जोत झलकत जुदे जुदे जवेरन की, एक कहो न जात रोशन। अब हम सब बैठी हैं पिया चरणों तले, तो हमारी स्थिति क्या है उसका वर्णन भी, नैन मुने अंग मूर्छत, मानो जाने देखत सुपन, मानो जाने देखत सुपन, दिल मिने दिल देखत, खीन देखन को फेरे मन। हम सब सखियों के नैन खुले हैं, लेकिन संसार रूपी खेल के ख्यालों में खोए होने से झुके हुए भी हैं। उनके अंग ऐसे मूर्छित हैं मानो वे स्वप्न देख रहे हैं। सखियों का हृदय हृदय में ही इस स्वप्नवत खेल को देख रहा है। ब्रह्म आत्माएं खेल देख पाए तो उनकी नजर को इस नासूस संसार में फिरा दिया है। स्वप्न चलता भी दिल में है, देखता भी दिल में है। नैन मुने अंग मूर्छत, मानो जाने देखत सोपन, दिन मिने दिन देखत, खेल देखत भी फेरे मन।
श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, तुम्हारी बीतक साथ हर, इत जगाए दिखाई सायक, लियो अपना मूल देश, लियो अपना मूल देश। तो मूल मिलावा की इन सुंदर शोभा को सुंदर सा जी एक बार पूरा दोहरा देती हूँ, एक सुंदर प्रदर्शन सामने रख के। ठीक मध्य 64 पहल का 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पर सेंधे रंग की किलम, किनार पर दोरी, सिंहासन की शोभा, और चबूतरे की किनार पर सुंदर थम, चारों दिशाओं में द्वार घेर कर आए थम, उनमें कठेरा और उन कठेरों के साथ लगते तकिए। इन चबूतरे को घेर कर नूर से लबरेज गली, एक थम की हार दूसरी गली, और घेर कर रंगो नगो सी झिलमिलाती, जैसे चबूतरे पर रंग है वही रंगो नगो सी झिलमिलाती मंदिर। यहाँ भी चारों दिशाओं में मुख्य द्वार के वास्ते मंदिर, जैसे चबूतरे पर द्वार है ठीक उसी रंगों में झिलमिलाते हुए, और घेर कर भी थंबों की हार। तो ये सुंदर अति सुंदर शोभा हमारे मूल मिलावा की, जहाँ पल पल हमें अपना ध्यान धनी चरणों में रखना है। श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजे हैं, श्यामा जी के दोनों चरण नूर की चौकी पर, और शिवराज जी का बाएं चरण कमल नूर की चौकी पर, और दाएं चरण कमल बाएं जांघ के मूल पर। युगल पिया की मोहिनी छव, उनके सुंदर नूरी मुखारविंद, उनकी छाई प्रसन्नता, वो उल्लास सखियों के लिए प्रेम प्रीत उल्लास, उनकी चरणों में पल पल सींचता, पल पल सींचता। बोलो श्री राम।